दोस्तों नमस्कार। बहुत लोगों के सामने एक समस्या होती है कि हम कैसे पहचाने कि सामने वाला बंदा वफादार है कि नहीं है। ये बहुत लोगों की समस्या है क्योंकि वफादारी बहुत बड़ा कष्ट देती है अगर जीवन में ना हो पार्टनर की तरफ से। वफादारी ना होना, वफादारी सिर्फ प्यार से संबंधित भी थी नहीं है, सारी चीजों में वफादारी की जरूरत है, सत्यनिष्ठा की जरूरत है। तो दोस्तों एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, जीवन भर परख लेना कहीं भी किसी भी जगह पे। अगर आपको ये देखना है कि हम ढूंढे कैसे वफादार साथी, वफादार पार्टनर, सभी जगह वफा की जरूरत पड़ती है, तो उसके चरित्र की परख करना। ये बात मैंने इससे पहले भी बताई है, आज एक बार फिर बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जो अपने चरित्र का ना हुआ, चरित्र मतलब सत्य, चरित्र मतलब संस्कार, चरित्र मतलब ईश्वर, चरित्र का सीधा संबंध ईश्वर से है। ईश्वर ने हमें एक चरित्र दिया है जो हमें निभाना, किरदार, चरित्र। जो उससे भटक जाए, जो उसकी प्रति भी गद्दारी कर दे, तो वो किसी का नहीं हो सकता। तो इसीलिए चरित्र की बड़ी बहुत महत्ता होती है। सरकारी नौकरी में चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। जब उस तक बात आती है ना, सारी चीजें, कुछ भी पढ़े लिखे हो आप, कितने भी गोल्ड मेडलिस्ट कुछ भी हो, अगर आपका चरित्र सत्यापित सही नहीं है तो आपको नौकरी या पद नहीं मिलेगा। सारी शिक्षा दीक्षा बेकार है। अब आप कहोगे कि चरित्र की लोग परिभाषा नहीं जानते। मैंने बताया चरित्र क्या है। जैसे ही आपने सत्य का साथ छोड़ा तो आपका चरित्र दूषित हो गया। आपके चरित्र में खलनायक, झूठ, फरेब सब आ गए। बहुत आसान है, जिस व्यक्ति ने झूठ बोलना सीख लिया वो समझ लो चरित्रहीन है। चरित्रहीन होने को लोग बाग अपने अफेयर, ये इस तरह के शारीरिक संबंध, स्त्री पुरुष, ये वाला मान लेते हैं। ये वाला भी उसमें एक पार्ट है, मगर यही नहीं है। बहुत इसमें मेन पार्ट है सत्य। जिसने किसी भी कारणवश सत्य को छुपाने की कोशिश की, सत्य सत्य सारी चीजें सत्य में ही है, क्योंकि सत्य ईश्वर है। आपने अगर सत्य छुपाया तो आपने खलनायक को, झूठ को घर में पनाह दे दी अपनी जिंदगी में। आप कभी ना कभी खुद से ही धोखा पाओगे, क्योंकि वो अपने अंदर पना एक झूठ सो झूठ बुलवाएगा, और आप खुद के घर में, दिल दिमाग, अपने खुद के व्यक्तित्व में अपने एक विलेन को पालते जाओगे, जो आपको झूठ तो तुरंत ही आपको सच, सच से दूर होने का मतलब धर्म से दूर होना, ईश्वर से दूर होना। तो आप अगर कहीं किसी चीज को देखो कि किसी से साझेदारी, शादी, विवाह, संबंध, मित्रता, कारोबार कुछ भी करना है, तो पहले उसके चरित्र के बारे में पता करवाओ, क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति जो हो जाता है उसके साथ ही चरित्रहीन ही होंगे, क्योंकि वो सद चरित्र को तो रखेंगे नहीं अपने पास। जो आदमी चरित्रहीन हो जाएगा उसके साथ ही वही बनेंगे उनकी तरह ही। और चरित्रहीन किसी का होता नहीं। कितने धोखा देते हैं लोग, क्यों देंगे धोखा, इसलिए देंगे क्योंकि वो चरित्रहीन है, चरित्र है ही नहीं उनके पास। जो चरित्रहीन सबसे पहले, जो जो व्यक्ति अपने चरित्र को धोखा देगा वही तो चरित्रहीन बनेगा। उस पर चरित्र, चरित्रहीन का मतलब चरित्र के बिना, चरित्रहीन हो गया उस पर चरित्र नहीं, वस्त्रहीन, वस्त्र के बिना। चरित्रहीन का मतलब चरित्र नहीं है उसके पास, कोई चरित्र नहीं। और जिसका कोई चरित्र नहीं, हमारे तो नौकरी भी नहीं देते, प्राइवेट सरकारी तो देते ही नहीं। चरित्र ठीक लिखवाओ, ठीक करो पहले, तब जगह मिलेगी। चरित्र का कई परिभाषा, सच सच जो नहीं बोलता वो चरित्रहीन है।
तो दोस्तों कल की भगवान हम सबको सतयुग में ले जाएंगे, तो सत्य बोलना ही तो सिखाएंगे। सच बोला जाएगा कैसे, चरित्र उससे जुड़ा हुआ है चरित्र। अगर हम चरित्रवान हैं तो हम धार्मिक, मतलब धार्मिक का मतलब धर्म को मानने वाले, मैंने किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया, हम धार्मिक हैं, हम धर्म मानने वाले हैं। धार्मिक का मतलब हम ईश्वर प्रेमी हैं, हम प्राकृतिक हैं नॉर्मल रूप से। तो दोस्तों कल की भगवान भी यही कार्य करेंगे, वो बताएंगे चरित्र, पहले चरित्र लाओ, सत्यवादी बनो, ताकि मैं धर्म की रक्षा करके आपको धर्म दे सकूं, उस धर्म को पाल सको। तभी पालोगे जब आप सत्य वाले होगे, क्योंकि धर्म की पहली जो शर्त है औपचारिकता, वो सत्य होने चाहिए। सत्य जितने भी सत्यवादी रहेंगे वो सब धर्म को पालेंगे, उनके धर्म सामान्य रूप से पलेगा। झूठे लोगों को तो धर्म बुरा लगेगा, उनके लिए तो सजा है, नियम कानून सत्य में रहना। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए जरूर।